नीलम वात्सल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या है आपको मोगरा? बिल्कुल मेरे मोगरा की तरह हेल्दी है और इतना सारा फूल भी दे रहा है, बट नहीं है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसमें अगर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां झड़ जा रही है या साइज बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये सब का सलूशन मैं बताऊंगी। इस वीडियो के देखने के बाद आपका मोगरा में बहुत ज़्यादा फूल भी आएगा और इसमें खुशबू भी बिखेरेगा। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि हाँ, जो मेरा पास मोगरा है ये मैं बहुत 2-3 साल पहले से ही इसको लगाई हूँ और यहाँ इसमें कितना फूल आया है पहले मैं इसको दिखाती हूँ आपको। जैसे देख रहे हैं चारों तरफ मेरा कली, कितना ज़्यादा इसमें कली है और इसमें फूल भी ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ, मेरा फूल बहुत ज़्यादा इसमें आता है और बहुत ग्रोथ भी इसमें अच्छी मैं इसको कर देती हूँ। तो इतना ग्रोथ और इतना फूल के लिए मैं इसमें क्या करती हूँ, कैसे इसमें होता है, इसके बारे में भी कुछ बात करूँगी ताकि आपका भी मोगरा का फूल बहुत ज़्यादा खुशबू बिखरे आपका गार्डन में। तो दोस्तों देखिए कि मोगरा एक समर का प्लांट है। समर जैसे हैं ये फरवरी मार्च शुरू होता है, इसको आप पहले से अगर मोगरा लगा रखे हैं तो इसको आप प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे आप पहले से इसको रखे हैं दोस्तों, पहले से रखे हैं तो पानी दे रहे हैं आप विंटर में इसका, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रुक जाती है। विंटर में ये फूल ही नहीं देती है, सिर्फ लत्तर बढ़ेगा लेकिन ये फूल ज़्यादा नहीं देती है क्योंकि ये समर का प्लांट है। तो इसको जैसे ही फरवरी शुरू होता है तो आप इसको कट किया कीजिए। जैसे देखिए कि जैसे यहाँ है तो यहाँ कट किया कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ अगर आप कट कीजिएगा तो यहाँ ऐसे कट कर दिए, इस सब सूखी हुई ब्रांच को आप कट कर दीजिए तो यहाँ से आपका ब्रांच ज़्यादा भागेगा, जिधर भी आपको नज़र आ रहा है इसको कट किया कीजिए। और जैसे ही इसमें आपका कट कीजिएगा तो आपका ब्रांच भागेगा पूरा। अब ब्रांच भागने से क्या होता है कि एक जगह कट कीजिएगा, जैसे ये देखिए इसको मैं कट की हूँ, तो जैसे इसको कट किए उसे दो तरफ इधर और इधर दोनों तरफ इसका ब्रांच आएगा तो इसका घनत्व तो उस तरह से भागेगा। और जैसे कि देखिए कि यहाँ फूल खिल चुका है तो ये 2-4 दिन बाद तक फूल ये खिला हुआ रहने दीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, ऐसे करके इसको आप इसे कट किया कीजिए। कट कर दिए तो इसमें फिर ब्रांच आएगा और इसमें फूल आएगा, फिर एक बार ही नहीं अनेकों बार इसमें आप फूल ले सकते हैं ऐसे कर। तो प्रूनिंग तो यह हुआ। अगर आपका ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो आप हार्डली प्रूनिंग कर सके, पूरा तरह से आप करके और इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, खाद अच्छा दे सकते हैं ताकि आपका भर गर्मी बरसात आपका फूल आते ही रहे। तो एक चीज़ तो ये हो गया। फिर क्या करनी है कि आप इसमें क्या करना है कि आप इसको हमेशा गुड़ाई कीजिए। कट करने के बाद अगर आपका पौधा में जड़ ज़्यादा भाग रहा है, ज़्यादा इसको ग्रोथ बांध दिया है, तो आप इसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। गमला को निकाल कर गमला से इसको और मिट्टी को रिन्यूअल कर दीजिए, रिन्यूअल कर एक बेस्ट खाद दीजिए अच्छा कि ताकि गर्मी बरसात हम लोग का फूल मिलते ही रहे और अच्छी अच्छी खुशबू से आंगन बिखरते ही रहे। इसका स्मेल इतना ज़्यादा खुशबूदार है दोस्तों, इतना ज़्यादा है कि आप इसको तरफ आकर्षित ज़रूर हो जाइएगा। अगर आप गार्डन में लगाए हैं तो आपका गार्डन तो ये पूरा तरह से सुगंधित कर देता है। एक ही मोगरा लेकिन घर में ज़रूर लगाना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। तो जैसे मोगरा इसको बोलते हैं, बेली भी बोलते हैं, जैस्मिन बोलते हैं, तो इसका इत्यादि नाम बहुत ज़्यादा है। ये जैस्मिन प्लांट का सब जैसे चमेली हो गया आपका और मिनी चांदनी हो गया, डबल चांदनी हो गया, तो सब इसी का वैरायटी का आता है दोस्तों।
और इसको समय समय पर क्या करनी है कि इसको गुड़ाई करनी है। देखिए कितना मैं इसको मिट्टी को भुरभुरी रखती हूँ, मिट्टी इसको बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, नमी इसमें बनाते ही रहिए, ज़्यादा गीली भी मत कीजिए, लेकिन हाँ भुरभुरी इसको मिट्टी बिल्कुल चाहिए और रेतीली मिट्टी भी चाहिए, वेल ड्राइंग सॉइल चाहिए ताकि इसको पानी इसमें ठहरे नहीं और ये ड्राइंग हो जाए तो ज़्यादा सूखने का चांस रहता है। तो जैसे ज़्यादा समर ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है आपको, तो ज़्यादा गर्मी में क्या करना है कि इसको ज़्यादा गर्मी में इसको रूट मत काटिए। ज़्यादा गर्मी में अगर रूट काटिएगा तो ये जलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और ये सूख जाता है। तो आप जैसे ही फरवरी आए उस समय आप इसको अंतिम मार्च तक आप इसको प्रूनिंग हार्डलिंग कर सकते हैं, आप पिंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी रहता है क्योंकि नहीं कीजिएगा तो इसमें ब्रांच ही नहीं भागती है। ब्रांच भागेगी तभी तो इसमें ज़्यादा फूल, हेवी फूल हम लोग का चाहिए तो हेवी फूल चाहिए तो इसके लिए करना पड़ता है। तो देखिए मेरा यहाँ एक्स्ट्रा जड़ नहीं है क्योंकि मैं इसको फरवरी में रिपोर्टिंग की हूँ अच्छी तरह से, एक भी जड़ इसमें नहीं अभी नज़र आ रहा है। तो मैं पूरी तरह से इसको रिन्यूअल की हूँ और हमेशा इसमें गुड़ाई करते ही रहती हूँ। लेकिन जानते हैं दोस्तों मोगरा प्लांट जो होता है वो एसिडिक बहुत ज़्यादा खोजता है, इसमें जितना आप एसिडिक कीजिएगा उतना ही आपका फ्लावरिंग अच्छा होगा और इसमें साइज भी बड़ा होता है। तो इसको क्या करना है कि अगर आपको साइज़ भी छोटा आ रहा है तो घबराइए नहीं, नीलम वात्सल में बहुत सा ऐसा आपका मोगरा का प्लांट का वीडियो मिलेगा जो आपका हर एक तरह से पता चलेगा कि कौन सी खाद, कैसी खाद, कितना बड़ा साइज, मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सब मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ मैं गुड़ाई की, गुड़ाई करने के बाद इसको क्या करना है कि ऐसे तो नियमतः इसको क्या करना है कि गुड़ाई कर आप एक दिन छोड़ दिया कीजिए। एक दिन छोड़िएगा तो ये ड्राई जो ऊपर का गीली मिट्टी रहता है वो सूख जाता है हवा से, और सूखने के बाद इस मिट्टी को आप निकालिए। निकालने के बाद आपको क्या करनी है कि फिर इसमें कुछ खाद ऐड करनी है, तो खाद भी देनी है और इसमें समय से पानी भी देनी है। तो ऐसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसको एसिडिक बनाने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे नींबू का आपका पानी का हो गया, नींबू जैसे पी लिए और उसको खोया जो होता है उसको आप डिप करके एक दिन रख दीजिए और उससे उतना ही पानी मिलाकर आप डाल सकते हैं। फिर बनेगर भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए कि मेरे पास जो है एपर साइड बनेगर है, मैं तो इसको पौधा के लिए ही मंगाती हूँ, मैं पौधा के में बहुत ज़्यादा इसको यूज करती हूँ, जैसे देख रहे हैं कि ख़त्म होने का कगार पर भी है, तो इसको मैं डालती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसको बेनिफिट क्या होता है कि इसको मैं डालती हूँ तो मेरा मोगरा का प्लांट साइज़ भी बड़ा होता है और इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा आता है। तो इसको क्या करना है कि एक लीटर पानी में एक चम्मच आप इसको बस सिर्फ महीना में एक बार डालिए। महीना में एक बार डालते जाइएगा तो इसका दो इसका रीज़न निकलेगा कि आपका सॉइल तो एसिडिक होगा ही लेकिन इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग भी होता है और साइज भी बड़ा करता है। तो आप ये डाल सकते हैं और नहीं तो सादा बनेगर भी आप डाल सकते हैं। और फिर क्या करनी है, ये तो हो गया कि आपका एसिडिक सॉइल के लिए हो गया, और इसमें खाद क्या देनी है इसके बारे में बात करती हूँ कि खाद क्या देनी है। तो जैसे मैं क्या देती हूँ उसके बारे में बता रही हूँ कि मैं इसमें अधिक, जैसे ही आपका मार्च आया आप इसमें प्रूनिंग किए रिन्यूअल किए, उसके बाद क्या करनी है कि आप मिट्टी इसको चेंज जब करते हैं उस समय मैं क्या करती हूँ कि उसमें सरसों खली का पाउडर बनाकर और थोड़ी सी सूखी हुई चाय रहती है और फिर उसमें DAP का दो चार दाना डाल देती हूँ तो मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और उसमें एक चम्मच आप पोटास ज़रूर मिलाइएगा। तो जैसे देख रहे हैं कि हाँ मैं सूखी हुई चाय की पत्ती ली हूँ तो इसको मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा नहीं जैसे हेवी है तो थोड़ा सा ही, जैसे आप थोड़ा सा ऐसे करके इसको मिट्टी में आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा किनारे में आप दे दीजिए।
जैसे इतना हुआ, तो इसको आप ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए और मिट्टी को सिर्फ मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इसमें पानी डालिएगा तो ये पानी डालने से क्या होगा, अब्जोर करते ही रहेगा। तो इसको आप इस तरह से करनी है। ये सूखी हुई की चाय की पत्ती आप 15 दिन पर भी डाल सकते हैं, और इसको इस तरह से डालकर छोड़ देनी है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अधिक जब इसका फ्लावरिंग पीक पर हो, जैसे ही ज़्यादा इसको, तो ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरी रहती है, तो आपको क्या करनी है, उस समय आपको इसको दूसरा खाद दीजिए। तो मैं उस समय क्या करती हूँ, जैसे देखिए कि यहाँ जो है तो इसमें थोड़ा लहसुन का छिलका है, प्याज का छिलका है, और इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे देखिए कि ये बनाना हो गया, इसको मैं एक जगह कैरी बैग में स्टोर करती हूँ। और इसको क्या करती हूँ कि फिर मैं इसको कैरी बैग में डाल दी, और डालने के बाद इसको मैं इसी तरह से डिप कर देती हूँ। जैसे देख रहे हैं कि एक कैरी बैग है, इसी में मैं स्टोर करती हूँ। पौधा में डालने के लिए आप ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप जबर कीजिए इसमें, और इसको बांधकर एक बाल्टी में आप इसको डिप करने के लिए उसमें डाल दीजिए। और जैसे ही आपका ये 24 घंटा होगा तो आप इस कैरी बैग के ऐसे ही उठाकर आप फेंक भी सकते हैं, नहीं भी इसको सुखाकर मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ, डिप करने के बाद दोस्तों फिर इसमें मैं पानी उतना ही मिला देती हूँ, और मिलाने के बाद मैं इसमें फिर डाल देती हूँ। यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों कि इसमें इतना फ्लावरिंग मैं ऐसे ही पाती हूँ। सभी पौधा एक ही नहीं, ये आप किसी भी पौधा में आप डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट खाद क्या होती है उसको भी मैं वीडियो बनाई हूँ। तो जैसे देख रहे हैं मेरा सभी प्लांट हमेशा खिलता हुआ नज़र आपको आएगा। मेरा सभी गार्डन में जितना देखिएगा, इतना कड़कती हुई धूप में भी मेरा सभी पौधा अच्छा रहता है। मैं हर एक पौधा रखती हूँ दोस्तों, अब मेरा सभी प्लांट स्वस्थ भी रहता है। ऐसे तो मैं वीडियो हमेशा पोस्ट ही करते रहती हूँ, लेकिन दोस्तों तो इसलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर मोगरा का खुशबू आपको आंगन में बिखरना है तो आप ऐड कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों।